अब आपकी आवाज बड़ी बुलंद हो चुकी है हिंदुस्तान में। आपने देखा होगा बजरंगी भाईजान में मुन्नी को लेकर सलमान खान ने बॉर्डर पार किया और जब वो वहां पर पहुंचे बड़ी परेशानियां झेली उन्होंने, तो उनकी आवाज उठाई थी सोशल मीडिया ने, तो आपकी भी आवाज सोशल मीडिया उठा रहा है। हजारों चैनल आ रहे हैं आपके घर पर पहुंच रहे हैं, मीडिया भी आपके यहाँ पहुंच रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि सोशल मीडिया की आवाज, आपने देखा था सलमान खान की आवाज लोगों तक पहुंची थी और आप भी एक हिंदुस्तान में चर्चित चेहरा है आज, तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्या अपील करेंगे सरकार से, क्योंकि आपके जो पति हैं गुलाम हैदर वह बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने तलाक नहीं दिया, मैं अपनी पत्नी को वापस यहाँ बुलाना चाहता हूँ। तो जबरदस्ती मुझे बुलाने के लिए कह रहे हैं, तुम हाँ कहो ना कहो मैं तुम्हें बुलाऊंगा, तुम मेरे साथ रहना चाहो नहीं रहना चाहो मैं तुम्हें रखूंगा, ये तो जबरदस्ती है और ऐसा नहीं चलता सर। यहाँ का कानून वहाँ का कानून दोनों ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि जबरदस्ती कोई किसी को नहीं रख सकता। जब मैं नहीं रहना चाहती, मैं इनसे प्यार करती हूँ, तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगी। और दूसरी बात, सोशल मीडिया का थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया कि वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मेरे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सलमान खान का साथ दिया गया, मेरा भी दिया जाएगा, क्योंकि सलमान खान भी पहले जासूस घोषित हुए थे कि जासूस आया है इंडिया से, फिर पता पड़ा जब सबको एहसास हुआ और सबने उनका बहुत एहतराम करा, और आई थिंक मुझे भी यही होगा कि जब सबको पता पड़ जाएगा बिल्कुल क्लीन हो जाऊंगी, सब मेरे भी एहतराम करेंगे और मुझे भी रिस्पेक्ट देंगे, जैसे अभी तो मिल रही है और भी देंगे तब। और दूसरी बात, हैदर को इग्नोर करें, वो ऐसे ही कर रहे हैं मुझे वापस बुलाने के लिए। और जैसे कि अभी एक मीडिया वाले थे, तो उन्होंने उनके पास एक पाकिस्तान से वॉइस भी आई हुई है कि मार देंगे ये कर देंगे, तो वो भी शो कर देंगे कह रहे हैं, तो सबको पता पड़ जाएगी, मेरे लिए खतरा है सर बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ के क्षेत्र के लोगों का आपको कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, यहाँ से जाने का तो मैं सोच भी नहीं सकती, बहुत प्यार करते हैं मुझसे यहाँ के लोग। अच्छा सीमा जी, आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, ऐसी क्या खूबी देखी आपने सचिन में जो सीमा पार कर दी, चार बच्चों को लेकर आप हिंदुस्तान पहुँची? सचिन मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पहली बात मेरे बच्चों से प्यार करते हैं, बहुत सादे हैं और बहुत अच्छे हैं, इनका मन साफ है, इनको इतना बोलना नहीं आता, बहुत साधारण मतलब हैं, तो ये चीज़ इनमें बहुत अच्छी है और बहुत सच्चे भी हैं। कभी हमें झूठ ना हुआ, कभी हमें गाली गलौज ना हुई, हम अच्छे तरीके से रहे हैं। जैसे कि हैदर मेरे साथ गाली गलौज से बात करते थे, धमकी दे के बात करते थे, इनमें ये चीज़ नहीं है। और यही चीज़ है कि एक देश से दूसरे देश में आ गई, रिस्पेक्ट इज्जत। अच्छा, आप यहाँ जमानत पर हैं, केस चल रहा है आपको, सरकार ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप क्या कहेंगे करेंगे? मुझे रिक्वेस्ट है उनसे, करेंगे, उम्मीद है और इंतज़ार भी है कि कभी तो कहेंगे कि हाँ ये सीमा यहाँ की है और यहाँ की नागरिकता मुझे मिल जाएगी, मुझे यकीन है। साथियों, आपने देखा सीमा जी का कहना है कि सोशल मीडिया की आवाज़ बड़ी बुलंद आवाज़ हो चुकी है, उन्हें नागरिकता जरूर मिलेगी।